पंजाब से दिल्ली सीमा पर पहुंचे किसान अब वापस पंजाब की ओर रुख करेंगे, क्योंकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पंजाब की राजनीति में सक्रिय रूप से दिखाई देंगे और उनका सहयोग करेंगे व्यापारी समाज, जिसका शंखनाद आज लुधियाना में हुआ। आखिरकार किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपने राजनीतिक पत्ते खोल ही दिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी की सोच साफ हो गई कि वह सत्ता के शिखर पर जाने के लिए व्यापारी और छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने का मन बना चुके हैं। इसलिए लुधियाना में एक नई पार्टी बनाई गई, नया संगठन बनाकर नई सोच, नए जोश और नए इरादों के साथ उस मंजिल की ओर बढ़ने का ऐलान किया गया जो किसान आंदोलन को सफलता दिला सकती है। कारोबारियों और किसानों ने मिलाया हाथ, पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे साथ। पंजाब के लुधियाना में कारोबारियों ने बनाई भारतीय आर्थिक पार्टी, उनके समर्थन में आ गए किसान नेता चढ़ूनी। पंजाब समेत 29 सूबों से कारोबारियों के 62 नुमाइंदे पहुंचे लुधियाना। बैठक में खास बात यह रही कि पहली बार किसान और व्यापारी एक गठबंधन के तहत राजनीति में उतरे हैं। आमतौर पर जहां भाजपा को व्यापारियों की पार्टी और अकाली दल को किसानों की पार्टी कहा जाता है पंजाब में, लेकिन इस बार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भाजपा, अकाली दल और कांग्रेस तीनों का तोड़ निकाला है। व्यापारियों के साथ गठजोड़ करके अभी यह साफ नहीं है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं, लेकिन किसान आंदोलन में हीरो बने गुरनाम सिंह पंजाब के किंग बनेंगे या पंजाब के किंग मेकर। हालांकि जल्दबाजी है कुछ भी कहना, लेकिन आज की इस बैठक में राजनीतिक दलों की गणित को बिगाड़ने के साथ साथ किसान मोर्चा बंदी के नेतृत्व करने वाले किसानों के लिए भी परेशानी बढ़ा दी है। पंजाब मिशन ते मीटिंगां ते पहला भी कई हो लिया साडे दलित विभाग दे भरा बैठे ने राजू जी इन्हां ने और रिश्म जी बैठे ने इन्हां ने कई मीटिंगां पहला भी करा चुके ने। अज ते अज व्यापारियों ने जिहड़ा है वो समर्थन दिता है भाई मिशन पंजाब जे तुसी अगवानी करते हो तो असी तुहाडे नाल आ, ये उन्होंने अज समर्थन व्यापारियों की व्यापारियों की पार्टी है। व्यापारियों ने जिहड़ा है वह अपनी पार्टी बनाई हुई है, वो सारे व्यापारी बना के अज उन्होंने साडा समर्थन किया। एक हफ्ते वास्ते बर्खास्त किया जी, और टाइम पीरियड निकल गया है तो उस तो बाद मैं जा रहा, मैं जा रहा उस तो बाद तो मैं कई बार जा रहा। ये तो 21 तरीक में खत्म हो गया सी टाइम पीरियड, उस तो बाद तो मैं कई बार जा रहा। जी आप किसान संसद चला रहे हैं भी एक दिन मैं अध्यक्षता करके आया। एक चीज नहीं है, इतने बहुत चीजा ने जगह जगह से जगह प्रताड़ित कर रहे हैं, सारे वास्ते लड़ांगे, सारे वास्ते भावे मजदूर ने भावे किसान ने भावे व्यापारी ने छोटे जेडे भी जिन्हों का भी हक कोई मार रहा है सरकार मार जिन्हों ने भी लुट रही है उन्होंने सारे वास्ते लड़ांगे। जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लुटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की कोशिश रही हैं, उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाए, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाए, और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहली चल रही है हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट, अब ये व्यापारी है इनको व्यापारी नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं काट उठा के, तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती, उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो, ये सब चीज़ें अगर 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा, 117 पे भाई हाथ तो थोड़ा यार, देखिए 117 पे ही लड़ेंगे, देखिए 19 सालों पे, देखिए अभी हम अभी शुरुआत में बता रहा हूँ, अभी शुरुआत, जब सीटें 117 है तो चुनाव तो 117 में ही होगा ना। सर इन्ने किसान शहीद, सर किसान इन्ने शहीद हो गए, तुसी आज पहला दिन स्टार्ट किया, दो मिनट का मौन भी नहीं किसानों वास्ते रखे सर,
देखिए ये तो हमें तो इन्होंने समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई जरूरी भी नहीं होता, वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे दो मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं, यहाँ पे राष्ट्रगान करके। बाबा जी तुम स्पष्ट कर दो जी समर्थन दिता वा कानूनी साहब नु किस तरह का समर्थन है। आज पूरे देश का व्यापारी परेशान, 1947 तो लैके अज तक सब व्यापारियों साडा बंदा मान सम्मान नहीं मिलया, सानू चोर कहा गया, सानू बेईमान कहा गया, सानू इतना जलील किया गया, साडे फैक्ट्रियां भी साडे कारखाने च एड़ा मारियां गईयां। इस करके पूरे देश का व्यापारी अज आया सिर्फ लुधियाना का नहीं, देश दे 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद है। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ, सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूली जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा। लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे, हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज है उन्हें ठीक कराएंगे और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे, उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया, हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी को खत्म कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आपको क्या लगा, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा? आज केवल लुधियाना के तो मेरे ही हैं और हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई दौड़ या संशय है तो मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उसकी मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर, वो केवल करुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चुनी जी को अपना समर्थन देने के लिए आए। पता नहीं हो गया, हर जगह पर करेंगे, हर जगह पर करेंगे। हमारा व्यापारी करोड़, हमारा जीएसटी रजिस्टर, हमारा दुकानदार है 40 करोड़, हमारे मजदूर भाई हैं, देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहाँ पर हम लोगों का माल बिकता है, तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होंगे, मजदूर किसान और व्यापारी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा। ओके ओके चलो जी, कर दे ओके। जो राजनीतिक पार्टियां आज तक देश को लूटने की या मौजूदा नीतियां बनाने की कोशिश रही हैं, उन पार्टियों से राज छीन के नया चेहरे सामने लाएं, ईमानदार संघर्षी लोगों को राजनीति में लाएं, और जब ईमानदार और संघर्षी लोग राजनीति में आएंगे और फिर कुछ नया करके दिखाने का प्लान है, जैसे कुछ नया बदल के दिखाने का, जैसे राजनीति पहली चल रही है हर जगह रिश्वतखोरी, हर जगह लूटपाट, अब ये व्यापारी है इनको व्यापारी नहीं करने देते, 10 तरह के महकमे आते हैं काटी उठा के, तो उन चीज़ों से सारियों से छुटकारा दिला के दिखा दें। गरीब आदमी है जिसको रोटी नहीं मिलती, उसको रोटी मिले, जो इलाज नहीं करा सकता उसका इलाज हो, जो पढ़ नहीं सकता उसको पढ़ाई हो, ये सब चीज़ें। 117 सीटों पे इलेक्शन लड़ेगा, 117 पे अजी हाथ तो थोड़ा यार, देखिए 117 पे ही लड़ेंगे, देखिए अल्टूनी साहब यार, देखिए अभी हम अभी शुरुआत में बता रहा हूँ, अभी शुरुआत, जब सीटें 117 है तो चुनाव तो 117 पे ही होगा ना। सर किसान इन्ने शहीद हो गए, तुसी आज पहला दिन स्टार्ट किया, दो मिनट का मौन भी नहीं किसानों वास्ते रखे सर, देखिए ये तो हमें तो इन्होंने समर्थन देने के लिए बुलाया है और हर जगह पे ये कोई जरूरी भी नहीं होता, वहाँ जो प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे
दो मिनट का मौन रख के फिर शुरू करते हैं यहाँ पे राष्ट्रगान करके। बाबा जी तुम स्पष्ट कर दो जी समर्थन दिता वा कदमी साहब किस तरह का समर्थन है। अज पूरे देश का व्यापारी परेशान, 1947 तो लैके अज तक व्यापारियों को साडा बंदा मान सम्मान नहीं मिले, सानू चोर कहा गया, सानू बेईमान कहा गया, सानू इतना जलील किया गया, साडे फैक्ट्रियां भी साडे कारखाने च एड़ा मारियां गईयां। इस करके पूरे देश का व्यापारी अज आया सिर्फ लुधियाना का नहीं, देश के 29 स्टेट्स और सब यूनियन टेरिटरीज तो सारे व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष आज यहाँ पर मौजूद हैं। आज ये भारत का पहला इतिहास है जो लुधियाना में, जो पंजाब में, ये पूरा हिंदुस्तान एक व्यापारियों का गुलदस्ता इकट्ठा हुआ, सारा व्यापारी परेशान है। इसलिए हमने मन बनाया है कि हम अब व्यापारी अपनी राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और पंजाब में 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और चुनी साहब उसकी अगुवाई करेंगे। केवल पंजाब से होते हुए, केवल पंजाब में ही नहीं, हर यूपी, हिमाचल, राजस्थान और 2024 हमारा व्यापारियों का, मजदूरों का और किसानों का सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूली जी की अगुवाई में हमारा लक्ष्य होगा लोकसभा। लोकसभा में खुद आकर हम अपने बिल ठीक कराएंगे, हमारे व्यापारियों की जो गलत पॉलिसीज है उन्हें ठीक कराएंगे और सबसे पहले हम किसानों के बिल ठीक करेंगे, उसके बाद व्यापारियों के लिए टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे। 1947 से आज तक कभी भी टैक्स रिफॉर्म नहीं आया, हम टैक्स रिफॉर्म लेके आएंगे, इनकम टैक्स और जीएसटी को खत्म कर कर एक टैक्स लेके आएंगे जिसे कहा जाएगा बैंक ट्रांजैक्शन टैक्स। आज आपको क्या लगा, आपने क्या देखा, आपने क्या समझा? आज केवल लुधियाना के तो मेरे ही हैं और हिंदुस्तान के व्यापारी मेरे साथ हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट या संशय है तो स्टेटस के मेरे व्यापारी भाई मेरे पीछे खड़े हैं, उसके मर्जी इंटरव्यू ले लीजिए आप। वो क्यों आया यहाँ पर, वो केवल करुण जैन बाबा के माध्यम से, व्यापारियों के माध्यम से सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूली जी को अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। पता नहीं हो गया, हर जगह पर करेंगे, हर जगह पर हमारा व्यापारी, हमारा जीएसटी रजिस्टर, हमारा दुकानदार है, 40 करोड़ हमारे मजदूर भाई हैं, देश के कोने कोने में दुकानें हैं जहाँ पर हम लोगों का माल बिकता है, तमाम वो व्यापारी हर स्टेट में जहाँ जहाँ पर इलेक्शन होंगे, मजदूर किसान और व्यापारी वहाँ पर गवर्नमेंट बनाएगा।